What's up, everyone? Hello and welcome to Ahmed Chai Reacts. My name is Ahmed Maharik, and on this channel, it is all about hip-hop. So the group Aur is back with a new track called Shikayat. Ye teen ladke hai jisme ek producer aur do rappers hai, Ahad, Usman aur Rafe, inko mila ke inka group banta hai Aur. Kuch mahine pehle inka gana nikla tha Tu Hai Kahan, jo bahut viral ho gaya tha. Even though wo 6 mahine pehle aaya tha, it became viral like 2 months ago or something, and wo har jagah reels pe tha, and eventually the song became extremely popular and it became their biggest song till date. मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो निकाला था जिसमें मैंने एक ही वीडियो में तू है कहाँ जो ओरिजिनल गाना है और उसका एक रिप्लाई वर्जन था जो शुद्धि म्यूजिक और आदिल रिजवी नाम के एक डुओ ने साथ में निकाला था. एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ लव फॉर दैट वीडियो, सो आई अप्रिशिएट एनीवन हु वॉच दैट वीडियो एंड अप्रिशिएटेड लेफ्ट सम पॉजिटिव कमेंट्स अंडर द वीडियो. और उस वीडियो की वजह से मुझे 30-35 न्यू सब्सक्राइबर्स भी मिले विद इन अ डे और टू. सो दैट इज अ बिग डील फॉर मी, कीपिंग इन माइंड कि मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ, मैं अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ. So these small, small things matter a lot to me. I consider them as small victories that I feel very proud of. So thank you to everyone who watched and supported that video. We are going to keep this going. The grind never stops. So without wasting any more time, let's get into Shikayat by Aur, Rafe, Usama and Ahad. Let's go. Directed by Zero. Khawateen o Hazrat, kuch gaane aise hote hain jo kalakar kisi ko kho ke likhte hain. Okay. Aur jo ga nahi sakte, wo sun ke ro lete hain. Damn. तो आप सबकी खिदमत में पेश है किसी की गुजारिश, किसी की इल्तिजा, किसी की शिकायत. ऑलरेडी रुलाएगा क्या? तवज्जो फरमाएं. जख्म दिल पे है दवा करो, आओ मिलके रस्म मोहब्बत अदा करो. कुछ ना कर सको मेरे लिए तो बस ख्वाबों में ही मुझसे मिल लिया करो. आ मिलो कहीं मुझसे के उम्मीद कुछ बाकी है मेरी तुमसे ना जाने हसरत ही रही हो तुम मेरी के शायद ये दिन आखिरी हो हम ख्वाहिश में मर जाए. आके मिल लो मुझसे ख्वाबों में, कुछ उम्मीदें बाकी है मुझसे तेरी. किसने, हु हैज ब्रोकन द हार्ट्स ऑफ दीज थ्री यंग डूड्स मैन? दे ऑलवेज टॉक अबाउट लाइक सम हार्ट ब्रेक स्टफ एंड द वे दे एक्सप्रेस इट एकदम ऐसे दिल से निकलता है, और जो शायरी निकलती है इट्स लाइक दे आर रियली रियली हार्ट ब्रोकन. किसी ने तो इनका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है कि उनके दिल से ऐसे लिरिक्स निकलते हैं कि मैं, मेरी उम्मीद है कि मैं तुझसे एक आखिरी बार मिलूँ, अगर कुछ और नहीं दे सकता तो कम से कम ख्वाबों में आके मिल लो मुझसे. इट स्टिल बैफल्स मी कि इन लोग कितने यंग है. दीज आर लाइक थ्री यंग डूड्स, और जिस तरीके से लोग लिखते हैं द मेच्योरिटी इन देयर राइटिंग इज जस्ट इट्स ओवरवेलमिंग टू अ पॉइंट, एंड एट द सेम टाइम काफ़ी रिलेटेबल है. एनी वन हु हैज बिन थ्रू अ हार्ट ब्रेक कैन रिलेट टू दिस सॉन्ग, चाहे छोटा हार्ट ब्रेक हो या बड़ा हार्ट ब्रेक हो. कुछ तो ऐसा ही लोग बोल देंगे जिससे तुम रिलेट कर पाओगे. कुछ बाकी है मेरी तुमसे, ले चलो वहां मुझे, मैं देखता हूँ आसमान में भी अब तुझे. देखा एक रोज तारा टूट के गया. ओके. मांगी भी दुआएं पढ़ा तू नहीं मिला. रोज एक टूटता हुआ तारा दिखता है मुझे. यू नो दे से इफ यू सी अ फॉलिंग स्टार, अगर कोई विश मांगो वो फॉलिंग स्टार को देखते हुए तो वो विश पूरी हो जाती है. वो बोल रहा है कि मुझे रोज टूटता हुआ तारा दिखता है, मैं दुआ मांगता हूँ कि तू मिल जाए एक बार, बट इतना सब होने के बाद भी तू मुझे एक बार भी नहीं मिली. उसके दोस्त उसके साथ है, कैंप फायर चल रहा है, बट वो दुखी बैठा हुआ है ख्यालों में. Who broke their hearts? जिसने भी दिल तोड़ा है ना इन लड़कों का, they must be regretting a lot right now to see what they have done. और उन्हें कैसे एक negative experience और situation को positive में बना के अपने लिए एक नाम बना दिया है इस पाकिस्तानी hip hop industry में. देसी hip hop में people know तू है कहाँ, people know that song, and जब भी उन लोग drop करते हैं people look forward to it. If it wasn't for their song तू है कहाँ तो मैं ये गाना बैठ के अभी सुन रहा नहीं होता. So that moment was needed. जो भी उनकी life में heartbreak हुआ था, जिसने भी उनका दिल तोड़ा था, it was necessary, वो होना ज़रूरी था ताकि उन लोग वो feelings एक गाने में बयां कर सके, और वो उसकी वजह से अभी द एंटायर देसी हिप हॉप सीन नोज देम. मे बी इवन पीपल आउटसाइड देसी हिप हॉप नो देम बिकॉज ये गाना रील पे काफ़ी ट्रेंड हुआ था. नॉट ये गाना बट तू है कहाँ रील पे काफ़ी ट्रेंड हुआ था. द गुड थिंग इज दैट दे मेड अ सॉन्ग आउट ऑफ दोज एक्सपीरियंसिस एंड नाउ एवरी वन नोज देम. एनी वेज आई एम टॉकिंग टू मच, लेट्स कीप इट गोइंग. कुछ बाकी है मेरी तुमसे,
ले चलो वहां मुझे, मैं देखता हूँ आसमान में भी अब तुझे। देखा एक रोज तारा टूट के गया, मांगी भी दुआएं पढ़ा तू नहीं मिला। वो आया ही नहीं जो एक दफा गया, वो दूर इतना हो गया मैं देख ना सका। है ढूंढता वजह अब दिल ये बेवजह है, टूटा इस तरह से दिल के फिर नहीं लगा। तो आ मिलो कहीं ओ मेरे हमनशीं। क्यों ढूंढता है वजह ये दिल बेवजह, ये हुआ लापता के कभी वापस ना मिला, या दिल ऐसे टूटा के ये वापस ना मिला। इट्स क्रेजी। हो गया मैं देख ना सका, है ढूंढता वजह अब दिल ये बेवजह है, टूटा इस तरह से दिल के फिर नहीं लगा। तो आ मिलो कहीं ओ मेरे हमनशीं, मैं अब भी हूँ अकेला ये तू समझा क्यों नहीं। दैट्स अ वेरी मिसलीडिंग शॉट। ऐसा लगता है कि वो नेचर्स कॉल के लिए रुका है, और जिस तरीके से वो खड़ा भी है ऐसा लगता है कि ही हैज स्टॉप्ड फॉर अ पिस और समथिंग। They should have thought about this shot. Sorry, man. है टूटा इस तरह से दिल के फिर नहीं लगा। तो आ मिलो कहीं ओ मेरे हमनशीं, मैं अब भी हूँ अकेला ये तू समझा क्यों नहीं। वजूद दिल लगी कि आरज़ू नहीं, मोहब्बत तो वही है जो के मिलती ही नहीं। मोहब्बतों में झूम लूं मैं क्या करूं बता, मैं मुब्तला हूँ गम में या मैं गम की हूँ दवा। मैं बददुआ हूँ या दुआ हूँ या मैं हूँ। दिस डूड सेट के मैं मुब्तला हूँ गम में या फिर मैं गम की हूँ दवा। मैं मुब्तला हूँ गम में, मुब्तला का मतलब होता है टू गेट लॉस्ट इन और मे बी गेट टू इंडल्ज्ड इन, या फिर मैं हूँ इस गम की एक दवा। हैव आई बीन टू लॉस्ट और इंडल्ज्ड इन दिस पेन और एम आई अ मेडिसिन फॉर दिस पेन। मे बी ही इज टॉकिंग अबाउट हाउ ही इज एबल टू एक्सप्रेस हिज पेन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स ऑन अ सॉन्ग। क्या मैं इस गम में इतना घुस चुका हूँ, इतना खो चुका हूँ कि मुझे इस गम की ज़रूरत है गाने बनाने के लिए, और एम आई अ मेडिसिन फॉर दिस पेन। मैं ये जो कर रहा हूँ गाने बना रहा हूँ, क्या मैं इस गम में खो के बना रहा हूँ, और एम आई हीलिंग माई सैडनेस बाई मेकिंग दीज सॉन्ग्स। जस्ट दैट वन लाइन, ये जो एक लाइन बोली ना इस बंदे ने, उसमें ही कितने मीनिंग्स और लेयर्स थे। मोहब्बतों में झूम लूं मैं क्या करूं बता, मैं मुब्तला हूं गम में या मैं गम की हूं दवा। मैं बददुआ हूं या दुआ हूं या मैं हूं सजा, अब तू बता के मैं हूं या फिर तू है लापता। मैं बददुआ हूं दुआ हूं या फिर हूं सजा। बददुआ कर्स लाइक अ बैड प्रेयर, दुआ ऑफ कोर्स प्रेयर, एंड सजा पनिशमेंट। मैं बददुआ हूँ दुआ हूँ या फिर हूँ सजा। जो पैरेलल्स का स्कीम या ऑपोजिट्स का स्कीम इन लोग अपने लिरिक्स में करते हैं, जो तू है कहाँ पे भी काफ़ी किया था। समवन रिसेंटली टोल्ड मी दैट इट्स अ वेरी कॉमन थिंग जो उर्दू शायरी में होता है, दैट पीपल ट्राई टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन और अ फीलिंग बाय शोइंग द ऑपोजिट्स। सो इट इज़ अ कॉमन थिंग जो उर्दू शायरी में होता है, और ये लोग अपने इस गाने में काफ़ी करते हैं कि मैं हूँ बददुआ या दुआ या हूँ सजा। I don't want to pause on every line. I really want to enjoy the song, but जो जो इनके एक एक लाइने होते हैं ना गाने में, it's hard to not stop and talk about it because they are so like touching. मैं झूम लूं मैं क्या करूं बता, मैं मुब्तला हूं गम में या मैं गम की हूं दवा। मैं बददुआ हूं या दुआ हूं या मैं हूं सजा, अब तू बता के मैं हूं या फिर तू है लापता। तू बता लापता हो गए इतना चाह के, तुम बेवफा हो गए जाना, भूलना था तुम्हें खुदा की कसम। हाथ जब भी उठे तुम दुआ हो गए, होठों पे दुआ है वक्त थम नहीं रहा। तू ना मिल सका तू बस नजम में ही रहा, दुनिया की मोहब्बतों ने सब बदल दिया। तेरा गम अजीब है वो वहीं का वहीं रहा, भूलना मैं चाह रहा था तुझको इस तरह। ना तेरी जगह कोई हो ना हो तू वहाँ, अब तेरी तलाश में पता चला मुझे, तुमसे ही शुरू है रातें तुमसे ही सुबह। तू मिल गई तो जा मिलेगी जिंदगी मुझे, जो तू नहीं तो चाहिए कुछ नहीं मुझे। ख्वाब तू एहसास तू ही रात तू सुबह, काट दूं मैं जिंदगी में देख के तुझे। देख ले मुझे ये कट रही है जिंदगी अब देख के तुझे, टूट ही गया हूँ तू समेट ले मुझे कहीं। टूट ही गया हूँ तू समेट ले मुझे, मैं टूट के बिखर गया हूँ, आई एम अ मेस, तो प्लीज
आके तू मुझे समेट ले. समेट ले यूजुअली तभी बोलते हैं व्हेन यू वांट टू लाइक क्लियर थिंग्स अप और क्लीन थिंग्स अप. इन अ वे ही इज ट्राइंग टू से कि ही इज अ मेस, कि वो टूट के बिखर गया है और तू आके मुझे समेट ले. हील मी, हेल्प मी, हेल्प मी क्लियर थिंग्स अप. ही सेड अ लॉट ऑफ अदर डीप लाइन्स इन दिस, बट दे वर लाइक सिंपल. उसमें कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड उर्दू वर्ड नहीं यूज़ किया था, या फिर मुझे ऐसा लगा नहीं कि कुछ ऐसा था जिसमें मैं पॉज करके समझा पाऊँ, बिकॉज आई एम श्योर जो लोग सुन रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि वॉट ही इज ट्राइंग टू से. एट द एंड ऑफ द डे ही इज हार्ट ब्रोकन. ही इज टॉकिंग डायरेक्टली टू दैट पर्सन हु ब्रोक हिज हार्ट, एंड दे आर जस्ट टेलिंग हर कि तेरी मोहब्बत भी बहुत अजीब है, वो उसी जगह पर रुकी हुई है. जब भी मैं उठता हूँ तो मेरा दिन तुमसे शुरू होता है, और सोने जाता हूँ तो मेरी रात भी तुझसे ही ख़त्म होती है. जब भी तू मेरे सामने होती है, तुझे देख के ही मेरी ज़िंदगी कट रही है. लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स दे आर सेइंग, दे आर जस्ट एक्सप्रेसिंग हाउ दे फील टू दिस पर्सन हु ब्रोक देयर हार्ट, एंड दे आर डूइंग इट इन अ मच मोर सिंपलर वे इन दिस सॉन्ग कम्पेयर टू तू है कहाँ. तू है कहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि थोड़े कॉम्प्लेक्स लाइन्स थे, थोड़े बहुत शुद्ध उर्दू वर्ड्स यूज़ किए थे तू है कहाँ पे. इस गाने में थोड़ा सिंप्लीफाई करके उनने अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है, सो आई एम एबल टू कैच ऑल ऑफ इट इस बार, एंड आई एम श्योर द लिसनर्स आर ऑल्सो एबल टू कैच ऑल ऑफ इट. देख के तुझे, देख ले मुझे, ये कट रही है जिंदगी अब देख के तुझे. टूट ही गया हूँ तू, समेट ले मुझे, समेट ले मुझे, कहीं बिखर न जाऊं मैं. तो फिर तुम आओ ना, मेरे आंसुओं को पोछो और फिर तुम रुलाओ मुझे. दैट जस्ट सम्स अप हाउ द रिलेशनशिप वॉज और हाउ द रिलेशनशिप इज नाउ. दे नो के वो जिससे भी बात कर रहे हैं दे आर नॉट गुड फॉर देम, मे बी दे आर नॉट गुड फॉर ईच अदर. जो भी है हम लोग बात करेंगे, मेरे आंसू आके पोछ दो और फिर तू ही मुझे रुला दे वापस. इट्स बॉर्डरलाइन टॉक्सिक, बट आई गेस ऑल हार्ट ब्रेक्स और रिलेशनशिप्स आर बॉर्डरलाइन टॉक्सिक टू सम एक्सटेंट. डोंट यू थिंक? लेट मी नो इन द कॉमेंट्स. मेरे आंसू को पोछो और फिर से रुलाओ मुझे, मेरा सब कुछ है तेरे लिए, तो आओ ना. दिल की बातें करो और फिर से सताओ मुझे, At least they have each other. मेरा सब कुछ है तेरे लिए. मिल जाऊं मैं तुम्हें अगर रास्तों में कहीं, तुम रस्मन ही पूछ लेना मुझसे हाल मेरा, मैं मुस्कुरा कर गम छुपा कर ही जवाब दूंगा, मैं यही करता आया हूं, यह है कमाल मेरा. डैम, दैट वाज अ वेरी डीप वे टू एंड द सॉन्ग. अगर कोई सिचुएशन में या रैंडमली कोइंसिडेंटली तुम मुझे कहीं मिल गई तो भी मैं तुझसे हंस के ही बात करूंगा, अपना गम छुपा के ही बात करूंगा. यू विल नेवर फाइंड आउट और नो हाउ आई एम फीलिंग. दैट्स जस्ट हाउ आई एम. मैं ऐसा ही करते आ रहा हूँ और मैं ऐसा ही करते रहूँगा. आई विल नेवर बी एबल टू एक्सप्रेस टू यू हाउ आई रियली फील, बट ही नोज एंड वी नो थ्रू देयर म्यूजिक के हाउ दे रियली फील. आई लाइक हाउ वीडियो के एंड में उन्हें दिखाया कि नो मैटर व्हाट दे आर गोइंग थ्रू इन देयर पर्सनल लाइव्स, इन तीनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है. राफे, उसामा और अहद का, ये प्रोड्यूसर और रैपर्स है, बट एट द सेम टाइम दे वर प्रोबेबली फ्रेंड्स वे बिफोर एनी ऑफ दिस म्यूजिक थिंग हैपेंड. सो इट्स गुड टू नो दैट नो मैटर व्हाट दे आर गोइंग थ्रू दे हैव ईच अदर, एंड वो तीनों एक दूसरे को संभाल लेंगे. चाहे कुछ भी हो रहा हो, एक दूसरे को लोग संभाल लेंगे, एंड दे विल गेट थ्रू एंड मूव अहेड इन दिस वर्ल्ड. इज दिस देयर थिंग? आई नो मैंने अब तक सिर्फ दो ही गाने सुने हैं, बट बोथ ऑफ देम हैव बीन अबाउट अ हार्ट ब्रेक, एंड दे हैव बीन, यू नो, एक्सप्रेसिंग हाउ दे फील आफ्टर अ हार्ट ब्रेक, एंड दे आर एक्सप्रेसिंग ऑल ऑफ दिस टू समवन हु ब्रोक देयर हार्ट. इज दिस देयर थिंग? इज दिस व्हाट दे डू बेस्ट, और डू दे हैव अदर टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स एज वेल? Let me know in the comments, please. And if they have any other songs jo thode alag hai, please do suggest those songs. I will definitely check them out and react to them. What do I think about this song? It was beautiful. I don't have anything negative to say about it. Jo bhi kiya inne acha hi kiya. Beat bahut khoobsurat thi. Video bahut khoobsurat tha. Lyrics bahut khoobsurat the. So the question now is, will this song make it to my playlist? Yeah, I think so. I would add this to my playlist. It's one of those songs that I might have to sit with and digest a bit more. But ek main feedback dunga, aise gaane ek mood pe hi sunne ko maza aata hai. Ya phir maza nahi aata, but sunne ka man karta hai. You know, if you are feeling this way,
then you will feel like listening to this song. But this is not one of those songs that you can listen to every day. Par ye gana main kahin aise playlist mein rakh dunga ki kabhi mujhe agar sunne ka man kare, it will be right there. Let me know in the comments what you guys thought about this song. Do you think it was better than Tu Hai Kahan? Do let me know in the comments. Do drop a like if you like this style of reaction/breakdown videos. Do consider subscribing and help me get to 400 subscribers. I would really appreciate that. Turn on that notification bell so that you don't miss any future uploads. Other than that, I'll see you on the next one. Peace.